नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम रेसिपी में थाली तैयार करेंगे, उसमें दो सब्जियां बनाएंगे, एक गवार फली की और एक करेले की, और एक उड़द दाल की रेसिपी है, और चावल और सादी दाल। चलिए चालू करते हैं अपनी रेसिपी। अभी हम थाली बनाने जा रहे हैं रेसिपी में, तो उसके लिए मैंने चावल ली है और दाल ली है तुवर की, तो ये हम पहले धो देंगे। दो पानी से इसको भी धोना है, अपने चावल को हम दो पानी से धो देंगे और दाल को भी दो पानी से धोएंगे। मैंने दो पानी से इसको भी और इसको भी, चावल और दाल को धो दिया है। अभी इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने इतना पानी डाला है, इसमें भी इतना ही पानी डाला है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और चावल में नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और दाल में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें भी डालेंगे। अभी इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी, एक हरी मिर्च है वो इसमें डाल दूंगी दाल में, और टमाटर भी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ ज़्यादातर करके, दाल अपनी अच्छी लगती है, आप ज़रूर बनाइए ऐसी दाल। इसको मिक्स कर लेंगे दोनों को और इसको कुकर में लगाएंगे। अभी हम कुकर में लगाएंगे अपनी दाल, दाल और चावल अपनी। ये देखिए मैंने दाल को रख दिया है, अभी हम चावल को भी रख देंगे और इसके ऊपर अभी हम थाली रखेंगे और चार सीटी इसको लगाएंगे। अभी ढक्कन लगा देंगे और चार सीटी इसको लगाएंगे। अभी हम गवार की फली बनाने जा रहे हैं। कुकर को हम चार सीटी लगाने तक हम गवार की फली की सब्जी तैयार करेंगे। मैंने कुकर को अलग रख दिया है, अलग गैस के ऊपर मैंने कुकर को रख दिया है। अभी मैंने एक बर्तन में पानी रखा है, पानी में हम गवार फली डाल देंगे। मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, गवार फली को ऐसे मैंने इसको काट लिया है और इसमें अभी हम नमक डालेंगे। अभी हम गवार फली को अलग गैस के ऊपर रख देंगे। ये भी मैंने अलग गैस के ऊपर रख दिया है गवार फली को। अभी हम करेले की सब्जी तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने बर्तन रखा है, बर्तन में हम तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें अभी हम राई डालेंगे, पाव चम्मच जीरा डाल देंगे, पाव चम्मच अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से भी ये सनकर तैयार हो गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसमें हम अपना करेला डालेंगे। मैंने करेले को धोकर ऐसे इसमें काट लिया है, देखिए ऐसे इसमें डाल। अभी इसमें हम नमक डालेंगे, ये मूंगफली का पाउडर है वो डाल देंगे, भुना हुआ मूंगफली का पाउडर है मेरा, और तेल डालेंगे। दोनों को मैंने एक एक चम्मच डाल दिया है, एक बार और से मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने कम कर दिया है अभी, अभी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच, और हल्दी पाउडर डालेंगे पाव चम्मच से कम, धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, जीरा पाउडर डालेंगे पाव चम्मच,
गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी इसमें हम शक्कर डालेंगे एक चम्मच, एक बार और से मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा और से तेल डाल देंगे एक चम्मच, और से मिक्स करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और अच्छे से नरम होने तक पकाएंगे इसको। अभी अपनी करेले की सब्जी देखेंगे। एक बार इसको चम्मच से ऐसे हिला देंगे। अभी हम बाकी की तैयार करेंगे, बाकी की रेसिपी की। इसको मैं इधर रख देती हूँ, अभी अलग रख देंगे। अभी हमने मिक्सर का बर्तन लिया है, जो मैंने उड़द दाल की रेसिपी बताई थी वो बनाएंगे। तो उसके लिए पहले अपने उड़द दाल की रेसिपी के लिए मैंने हरी मिर्च डाल दी है, अदरक डाल दिया है इतना, और उड़द की दाल मैंने अच्छे से धोकर 2 घंटे भिगो कर रखा है, वो इसमें डाल देंगे। और अभी इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए हमने मिक्सी जार में उड़द दाल को पीस लिया है। ये देखिए इसे अब इसको हम निकाल देंगे बर्तन में। हमने पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। ये देखिए हमने निकाल दिया है, इसको भी हम अलग रख देंगे। अभी हमने ढक्कन निकाल दिया है और करेले की सब्जी को इसे चेक करेंगे। मैंने बीच बीच में इसको चेक किया है पकी कहने तो। ये देखिए ऐसे पक गई है। ये देखिए अभी अपनी करेले की सब्जी तैयार हो गई है। बंद कर देंगे गैस, इसको अलग रख देंगे और गवार की फलियां भी देखेंगे। अपनी गवार की फलियां भी हम देखेंगे। ये देखिए मैंने 50% इसको हमने पकाया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसकी सब्जी तैयार करेंगे। पहले इसको निकाल देंगे पानी से। अभी वही बर्तन में हम सब्जी तैयार करेंगे। तो मैंने इसको धो दिया है, इसमें अभी हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें राई डालेंगे और जीरा भी डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है, 1/4 चम्मच राई डाली है। अभी जीरा और राई हो गई है, अभी प्याज डालेंगे और साथ में हरी मिर्च भी डालेंगे। अभी प्याज हो गया है, अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
ये भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। इसको भी हमने भून लिया है अदरक लहसुन के पेस्ट को। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें पहले हम हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच और मिक्स कर लेंगे। अभी गैस मैंने कम कर दिया है, अभी मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम तिल का पाउडर डालेंगे भुना हुआ दो चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम नमक डालेंगे। पहले भी हमने उबाले थे गवार फली को, तभी हमने नमक डाला था। अभी हम इसमें थोड़ा सा संभाल कर डालेंगे और साथ में हम इसमें ये नारियल है इसका बुरादा डालेंगे, यानी ये सूखा वाला नारियल नहीं है, ये पानी वाला नारियल है, बारीक कर लिया है। अभी हम मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर इसको हमने भून भी लिया है। अभी हम इसमें गवार फली डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसी सब्जी आप बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, बीच बीच में हम चेक करेंगे। जब तक ये पकती रहेंगी तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे, यानी जो बची है तैयारी वो करेंगे। तो इसको भी हम पकने देंगे। पहले हम आटा गूंथेंगे रोटी के लिए। तो पहले इसमें हम नमक डालेंगे आटे में। हम रोटी के लिए आटा तैयार कर रहे हैं, मिक्स कर लेंगे। सिंपल सी रोटी हम बना रहे हैं, तो इसमें मैं दूध डालूंगी थोड़ा सा, आधा कप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटा तैयार करेंगे रोटी का, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए ऐसे आटा मैंने गूंथा है। इसमें अभी हम तेल डालेंगे, एक बार और से इसको गोल देंगे। ये देखिए ऐसे आटा मैंने लगा दिया है रोटी का, ढक्कन लगा के 5-10 मिनट रखेंगे। अभी हम कुकर को देखेंगे, कुकर ठंडा हो गया है। ये अपना चावल तैयार हो गया है। ये देखिए इसको अलग रख देंगे, एक ही साथ हो जाता है चावल और दाल अपनी, ऐसे बनाएंगे। इसके ऊपर आलू भी आप रख सकते हो, आलू की सब्जी बनाना हो तो। ये देखिए अच्छे से अभी ये पक गई अपनी दाल। इसको अभी हम तड़का लगाएंगे, उसके पहले हम इसको अच्छे से प्लेन करेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी ये प्लेन हो गई है। तड़का लगाने के पहले इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए ऐसे मैंने दाल को रखा है। तभी इसमें हम तेल डालेंगे। अभी इसमें हम राई डालेंगे और जीरा डालेंगे। जीरा और राई हो गई है,
लहसुन की कलियां को मैंने ऐसे काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे और साथ में हम हींग भी डालेंगे इसमें टेस्ट के लिए। लहसुन की कलियां को भी अच्छे से कलर आ गया है। अभी हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसमें अभी हम कड़ी पत्ता डालेंगे और अभी इसमें हम दाल डालेंगे अपने। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये बर्तन मैंने इसको धो दिया है, वही पानी इसमें डालेंगे। ये देखिए अच्छे से भी ये पक गई है अपनी दाल। इसमें अभी हम हरा धनिया डालेंगे, इसको भी अलग रख देंगे। अभी दाल अपनी तैयार हो गई है, अभी हम अपनी सब्जी देखेंगे। थोड़ी पकने की है तो इसको थोड़ा सा और से पकाएंगे, 5 मिनट पकाएंगे, लेकिन बीच में इसको हम चेक करेंगे नहीं तो जल जाएंगे। अभी हम चेक करेंगे, अभी अच्छे से पक गई है। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, गैस बंद कर देंगे। अभी हम रोटी बनाएंगे, तो रोटी का आटा अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए एक बार और से इसको गूंद लेंगे। ये देखिए इतनी रोटी हम बनाएंगे। एक गोला लेंगे, इसके ऊपर आटा लगा देंगे ऐसे और रोटी तैयार करेंगे। ये देखिए हमने रोटी बना ली है। अभी मैंने एक थाली ली है, इसके ऊपर हम ऐसे आटा लगा देंगे और इसमें अभी हम अपनी रोटी रखेंगे। दूसरी भी हम अभी तैयार करेंगे ऐसे ही जैसे हमने पहले तैयार की थी। अपनी दूसरी भी रोटी तैयार हो गई है, जो हमने पहली रोटी बनाई थी और थाली पे रखी है, इसको हम पहले आटा लगा लेंगे ऐसे। यानी दूसरी जो रोटी है इसमें चिपकेगी नहीं, इसको हम आटा लगा लेंगे पहले रोटी को। पहले वाले रोटी को मैंने आटा लगा दिया है, इसके ऊपर अभी अपनी दूसरी रोटी रखेंगे, इसको भी आटा लगाएंगे और बाद में इसको तीसरी रोटी रखेंगे। पहले से लगा देंगे ऐसे, सभी रोटियां ऐसे ही बनाएंगे अभी। ये देखिए हमने सभी रोटी को बना लिया है। ये देखिए अभी इसको हम सेकेंगे। मैंने रोटी सेकने के लिए तवा रखा है गरम करने के लिए। अभी ये रोटी अभी इसमें डाल देंगे। आप लोहे का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसको हम सेकेंगे ऐसे, गैस के ऊपर नहीं फुलाएंगे, कपड़े से हम फुलाएंगे ऐसे। ये देखिए अभी हम रख देंगे इसमें। और रोटी मैं ऐसे ही फुलाती हूँ कपड़े से, ये देखिए अच्छे से फूल जाती है। और सभी रोटियां अभी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए अपनी रोटी भी तैयार हो गई है। ये देखिए ऐसे सॉफ्ट ऐसी बनती है रोटी। ये देखिए तो मैं इसको घी या तेल नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही रखूंगी और ऐसे हम खाएंगे। तो इसको भी हम अलग रख देंगे। अभी उड़द दाल की जो रेसिपी है वो तैयार करेंगे। जो हमने उड़द दाल को पीसा था अभी इसमें हम कच्चा आलू डालेंगे। मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है और धो दिया है अच्छे से। 2 आलू है मेरे, कच्चे वाले आलू है। हरी मिर्च डालेंगे,
कटी हुई, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा डालेंगे एक चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। हाथ से मैंने मिक्स कर लिया है और इसको अभी हम तलेंगे। सारी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में टेस्ट लगती है। मैंने इसमें थोड़ा सा कद्दूकस करके अदरक डाला है, एक बार और से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, अभी हम तलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे चेक करके गर्म हो गया थे। ये देखिए इतना सा मैंने लिया है और ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर। चम्मच से भी इसको फैला सकते हो ऐसे। अभी इसको हम पलटा देंगे। जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों तरफ से अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। देखिए अब इसको हम निकाल देंगे। जो अपना जो सारण है उसको ऐसे ही पहले जैसे हमने तला है वैसे ही तल लेंगे। सभी खाना तैयार हो गया है अपना, सभी हम थाली सजाएंगे। जो हमने दाल बनाई थी वो कटोरी में डालेंगे। जो हमने सब्जी बनाई थी वो डालेंगे, गवार फली। जो हमने करेले की सब्जी बनाई थी यानी करेला फ्राई, वो इसमें डाल देंगे। जो उड़द दाल के हमने बनाए थे ये देखिए ऐसे हमने बना लिए है, इसमें रखेंगे अपने उड़द दाल की अपनी रेसिपी। और इसमें दही डालेंगे, मैंने फेंट लिया दही को। दही में हम एक चम्मच मैंने शक्कर डाली है और थोड़ा सा नमक, इसमें डाल देंगे अपना दही। अभी इसमें डालेंगे इमली की चटनी। हरी चटनी पुदीने की, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा ऊपर से सेव डालेंगे, थोड़ा सा अनारदाना डालेंगे, ककड़ी रख देंगे, अपनी रोटी रख देंगे, चावल रखेंगे, दाल डाल देंगे, घी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे। अभी इसमें हम अचार डालेंगे, आंवले का अचार, मेरे घर में बनाया है आंवले का अचार, वो इसमें मैंने डाल दिया है। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला था, ये डाल देंगे ऊपर से ऐसे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। अपनी थाली तैयार हो गई है। कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो मैंने सभी रेसिपी बनाई थी वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।